ध्वनि भाग पांच। ध्वनि का परावर्तन, सोनार और पराध्वनि। पिछले वीडियो में हमने ध्वनि के परावर्तन, प्रतिध्वनि और अनुरणन के बारे में जाना। इस वीडियो में हम सोनार और पराध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड के बारे में जानेंगे। मनुष्यों के कान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं। 5 साल से कम उम्र तक के बच्चे और कुछ जानवर जैसे कुत्ते 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। जैसे जैसे लोगों की आयु बढ़ती जाती है, उनके कान ऊंची आवृत्तियों के लिए कम योग्य होते जाते हैं। अब हम कम आवृत्ति की ध्वनि को समझते हैं, जिसे हम मनुष्य नहीं सुन पाते। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। हाथी अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। क्या तुम अवश्रव्य ध्वनि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हो? अब हम पराध्वनि के बारे में पढ़ते हैं। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहा जाता है। डॉल्फिन और चमगादड़ जैसे जीव पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। कुछ प्रजाति के शल्वों के श्रवण यंत्र बहुत अधिक सुग्राही होते हैं, इसलिए जब चमगादड़ इनके पास आता है तो ये चमगादड़ की अधिक आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं और पकड़े जाने से खुद को बचा सकते हैं। क्या तुम किसी और जीव के बारे में जानते हो जो पराध्वनि उत्पन्न करता हो? अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं जिनमें उच्च आवृत्ति वाली पराध्वनि का उपयोग होता है। पराध्वनि अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर चल सकती है। उद्योग और चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनि का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। उद्योगों में पराध्वनि का उपयोग उन हिस्सों को साफ करने के लिए किया जाता है जहां पहुंचना कठिन होता है, जैसे कि सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक चीजें इत्यादि। इन पुर्जों को मार्जन विलयन में रखा जाता है और फिर पराध्वनि तरंगों को इस विलयन में भेजा जाता है, जिससे ये वस्तुएं बिल्कुल साफ हो जाती है। पराध्वनि का उपयोग धातु की वस्तुओं के अंदर की दरारों और छेदों को ढूंढने के लिए किया जाता है, जिन्हें बाहर से नहीं देखा जा सकता, जैसे कि जहाज, पुल और दूसरे वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली धातुएं। किसी दरार या छेद को ढूंढने के लिए पराध्वनि को धातु से गुजारा जाता है और प्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए संसूचकों का उपयोग किया जाता है। इन कामों के लिए किसी अधिक तरंग दैर्ध्य वाली सामान्य ध्वनि का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्षतिग्रस्त जगहों के कोनों पर मुड़ जाती हैं और संसूचक तक पहुंच जाती है। पराध्वनि तरंगों को दिल के अलग अलग भागों से परावर्तित कराकर दिल का प्रतिबिंब बनाया जाता है, जिसे एकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। पराध्वनि तरंगों का उपयोग पराध्वनि संसूचक में किया जाता है, जिससे शरीर के आंतरिक अंगों जैसे यकृत, गुर्दा इत्यादि के प्रतिबिंब को प्राप्त किया जाता है। इन तरंगों को शरीर के ऊतकों से गुजारा जाता है, इसके बाद इन्हें विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है, जिससे उस अंग का प्रतिबिंब बना लिया जाता है। इन प्रतिबिंबों को फिल्म पर मुद्रित कर लिया जाता है। इस तकनीक को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं।
पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को तोड़ने के लिए भी किया जाता है। अब हम ऐसी युक्ति के बारे में समझते हैं जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके पानी में स्थित वस्तुओं की दिशा और दूरी को मापती है। इसे सोनार कहा जाता है। सोनार शब्द साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग से बना है। इस युक्ति में एक प्रेषित्र और संसूचक होता है और इसे नाव या जहाज में लगाया जाता है। प्रेषित्र पराध्वनि तरंगे उत्पन्न तथा प्रेषित करता है। ये तरंगे समुद्र तल में वस्तु से टकराने के बाद परावर्तित होकर वापस संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं और फिर इनकी व्याख्या की जाती है। संसूचक पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है। पानी में ध्वनि की चाल और पराध्वनि के प्रेषण तथा अभिग्रहण के समय अंतराल का पता करके हम उस वस्तु की दूरी ज्ञात कर सकते हैं जिससे ध्वनि तरंग परावर्तित हुई हो। मान लो कि पानी में ध्वनि की चाल v है और पराध्वनि के प्रेषण तथा अभिग्रहण का समय अंतराल t है। इसलिए पराध्वनि द्वारा चली गई दूरी 2d को इस प्रकार लिखा जा सकता है, 2d बराबर v गुणा t। इस प्रक्रिया को प्रतिध्वनिक परास कहते हैं, जिसका इस्तेमाल समुद्र की गहराई ज्ञात करने और पानी के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल और डूबे हुए जहाजों का पता लगाने के लिए किया जाता है। चमगादड़ इसमें पारंगत होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वे पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। ये तरंगे अवरोध या कीटों से परावर्तित होती है और वापस चमगादड़ के कानों तक पहुंचती है। इन परावर्तित तरंगों की मदद से चमगादड़ को अपने शिकार का पता लगाने और पकड़ने में मदद मिलती है। इस वीडियो में हमने सोनार और पराध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम मानव कर्ण के बारे में जानेंगे।